खान हाखों पर उठी। तो शायद ये बात समझ नहीं आ रही है और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान, देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। लोकसभा मजिया नीटर प्रसंग आनी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानक प्रश्न थका सरका राहुल गांधी ইমান বেমেজালি কিয়? সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপুনি কৰিছে কি? What exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Okay. বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বাবে থিয়কল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানো। মূল কথা এৰি চালেবেৰে কোবা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজৰে প্ৰশংসাত হল গদগদ। কলে মোক স্বীকৃতি দিছে জনতাই। মেৰে जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। তাৰ পিছতেই বিৰোধীয়ে উত্তাল কৰিলে সদন। লগে লগে পুনৰ গৰজি উঠিল শিক্ষামন্ত্ৰী। চিঞৰ বাখৰত সমস্যা সমাধান নহয়। দেশ কি অবি কি এক্সামিনেশ্যন সিষ্টেম ৰবিশ হে ছাৰ। ইছে দুৰ্ভাগ্যজনক বয়ান, দেশ কি নেতা প্ৰতিপক্ষ কা কুছ নাই হ' সকতা হে ছাৰ। মই কঠোৰ শব্দ সে ইছকো নিন্দা কৰতা হুঁ। ৰাহুলক ভেটিবলৈ গৈ কংগ্ৰেছৰ পুৰণি ব্যৰ্থতা উদঙালে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। सर, जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से 1 बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठ रखा, किसके दबाव में उठ रखे। सच सुनने की सामने ही है ये। मैं किसी की विद्वत्ता में प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठ रखा, ये हमको प्रश्न पूछते हैं। शिक्षा मंत्री मंत्रव्य खड़गहस्त हुए सदन और बाहिर हुए राहुल उचारिले खूब। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है। उनको काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, नॉर्थ ईस्ट।